दुख के साथ और विडंबना के साथ मैं ये कहूँगी कि बावजूद इसके मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि अगर उसकी जाति निर्भया की जाति होती तो इस बच्ची के प्रदर्शन में आज जो यहाँ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं बंद हो चुका होती दिल्ली अभी तक और पूरा देश उबल पड़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। 9 साल की गुड़िया के लिए न्याय की मांग अब तेज हो गई है। यहाँ आज दिल्ली बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज यहाँ भीड़ है। लोग लगातार उस बच्ची के लिए, उस 9 साल की मासूम बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कौशल पवार जी है, जो कि जाति को लेकर इन्होंने PhD करी हुई संस्कृत में मैम आपने, और साथ ही देश में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसको लेकर इनकी समझ बहुत ज़्यादा गहरी है। और ये जो मुद्दा है ये भी कहीं ना कहीं जाति से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगी मैम, 75 साल हो गए हैं, ये जाति कब जाएगी? देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत एक जाति परक देश है और इसमें से जाति खत्म हो जाएगी ये अपने आप में ही बेबुनियाद सवाल है, क्योंकि हर एक चीज़ जाति आधारित निश्चित करती है, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारे तमाम मीडिया संस्थान हो, चाहे हमारी तमाम मूलभूत आवश्यकताएं जो हम हर रोज़ की रोजमर्रा की चीज़ों को देखते हैं, वो सारी की सारी जाति आधारित होती है। और ख़ासकर इसमें पॉलिटिकल पार्टी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं जाति को बनाए रखने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आज़ाद भारत के इतने सालों बाद भी अगर एक छोटी सी बच्ची के साथ शरेआम दिन के समय 5-6 बजे या 7 बजे का समय, कोई इतना भी समय नहीं होता कि उस वक्त अंधेरा हो, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कांड दिल्ली जैसी टेंट की जगह पे, हम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, आज़ादी के जश्न के लिए तमाम आर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 1 महीना क्या, 3 महीने पहले शुरू हो जाता है हमारे यहाँ आज़ादी का जश्न मनाना। जब 3 महीने पहले आज़ादी का जश्न मनाना शुरू हो जाता है और ये जो एरिया है इसको दिल्ली कैंट कहा जाता है, आर्मी छावनी है पूरी की पूरी, ऐसे समय में एक बच्ची के साथ इतना जघन्य बलात्कार होता है और फिर उसको मार दिया जाता है, और यहाँ तक ही नहीं होता बल्कि उसको जला भी दिया जाता है बिना अनुमति के। उसका वो थोड़ा बहुत जो जला हुआ शरीर मिला वो यहाँ के हमारे जो नौजवान साथी हैं और माँ के ऑब्जेक्शन के बाद थोड़ा बहुत मिला, तो ये देखने का हमारे लिए मतलब बहुत शर्मिंदगी है, ये राष्ट्र के शर्म की बात है कि हम एक छोटी सी बच्ची को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल बड़ा ये है इसमें कि वो स्कूल नहीं जाती थी बच्ची, अब देखिए 9 साल की बच्ची स्कूल नहीं जाती, इसके बावजूद आपका नारा ये है कि आप पढ़ा रहे हैं लड़कियों को, बच्चियों को, शिक्षा का दर आपका अच्छा है, तमाम योजनाएं उसके लिए हैं, तो वो लड़की अनपढ़ कैसे थी फिर? अगर वो पढ़ी लिखी होती, स्कूल जाती होती, हो सकता उस वक्त वो शमशान घाट में ही नहीं जाती, होमवर्क कर रही होती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारी जो पूरी के पूरा तंत्र है, पूरी व्यवस्था है, उनके लिए ये छोटी छोटी जातियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है। अगर यही निर्भया कांड की तरह एक ऐसी बच्ची के साथ ये बलात्कार हो, हालांकि मैं उसका भी विरोध करती और मैं उसमें भी उतनी ही खड़ी होती जितना हम लोग निर्भया केस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि हम बच्चियों को, वो भी हमारी ही बच्ची थी, लेकिन दुख के साथ और विडंबना के साथ मैं ये कहूँगी कि बावजूद इसके मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि अगर उसकी जाति निर्भया की जाति होती तो इस बच्ची के प्रदर्शन में आज जो यहाँ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं बंद हो चुका होती दिल्ली अभी तक और पूरा देश उबल पड़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगी कि सोशल मीडिया की वजह से आज ये मुद्दा थोड़ा गर्म है और तमाम सामाजिक संगठन, जो ये अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए हैं, उनकी वजह से थोड़ी हलचल है और सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। हम सब जानते हैं कि आंदोलन क्यों किया जाता है, आंदोलन इसलिए किया जाता है ताकि वो जो जाँच होगी उसकी प्रक्रिया सही तरीके से हो, एक दबाव रहे प्रशासन के ऊपर कि यहाँ लोग सड़कों पर उतरे हुए। तो अगर ये दबाव इस तरीके का मनोवैज्ञानिक रूप से काम नहीं करेगा तो हम समझ सकते हैं कि आज 7वां दिन हो चुका, मीडिया के अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कह रही हूँ कि फोरेंसिक लैब तक अभी तक वो जो सबूत इकट्ठे किए गए थे, एविडेंस जो उस टाइम इकट्ठे किए गए थे, वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है, अखबार में आया हुआ है आज के में भी नहीं पहुँचे। तो आप फर्स्ट कोर्ट में मुकदमा कहाँ से लड़ेंगे जब आप ये सीधी नहीं कर पाएंगे कि कैसे उसकी डेथ हुई, रेप हुआ या नहीं हुआ, उसके तमाम जो एविडेंस है उसकी क्या निष्कर्ष निकलता है, तो जीतेंगे कहाँ से? हम मांग कर रहे हैं फांसी होनी चाहिए,
मैं भी कर रही हूँ, लेकिन विदाउट एविडेंस, विदाउट कोर्ट हियरिंग आप ये प्रूव कैसे करेंगे, फांसी तक पहुँचेंगे? वो जो प्रक्रिया है फांसी तक पहुँचने की, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बाधित किया जा रहा है, और दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू गेट अवर जस्टिस। नहीं मिलेगा वो, इसलिए नहीं मिलेगा कि आपको, एक तो आपका सामाजिक आंदोलन अभी बहुत ज़्यादा प्रचंड अवस्था में नहीं है, अगर होता तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता और ये लैब तक पहुंचता। दूसरी चीज़ ये कि ये क्योंकि एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ दूसरी जातियों के लोगों का प्रतिनिधि नहीं है। आप एक दो लड़की आ रही हैं, वो लगातार वो ये कह रही हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, हम सबका स्वागत करते हैं, जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र से आने वाला हो, कोई भी व्यक्ति अगर सोलिडेटरी के लिए आता है यहाँ पर, उसका स्वागत है, बशर्त है कि वो जो सोलिडेटरी जो दिखाई दे रही है वो पिक एंड चूज वाली है, सिलेक्टिव आप उसको आइडेंटिफाइड करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसलिए यहाँ अगर आप देखेंगे तमाम सामाजिक संगठन वो हैं जो दलित बहुजन से रिलेटेड है, वो नहीं है जो आप प्रकाश के ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है करनी सेना, अब बताइए दिखाई दे रही है कहीं? कहाँ है आपके जो जितने बने हुए हैं बेटियों के ऊपर, मतलब जो जब बेटी, भारत की बेटी जब गोल्ड मेडल लेके जाती है तो उनके लिए गर्व की बात होती है, तो ये भी तो शर्म की बात होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक सिलेक्टिव, ये तो जाति की बात हो गई। आपने जैसा कि कहा कि ये सोचना भी कि इस देश से जाति प्रथा हट जाएगी, ये अपने आप में बेमानी है, हम खुद को सांत्वना देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम जाति से हट के देखें तो एक महिला होने के नाते, एक अगर एक औरत खुद में ये चीज़ महसूस कर सके, जाति दूसरी बात हो गई, जाति होने से पहले हर औरत अपने आप में इस बच्ची का दर्द महसूस कर सकती है। आप, मैं और मीनाक्षी लेखी जी जो यहाँ की सांसद हैं, मैं उनके अगर विधायक के, उनके सांसद के पद को अगर हटा भी दूँ, एक महिला है वो, उनके पास पद है, उस पद का इस्तेमाल करके वो यहाँ आ सकती थी, इस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो अब तक यहाँ आई नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, विडम्बना है इस देश की कि यहाँ जाति का सवाल महिलाओं के अंदर भी उतना ही कूट कूट के भरा हुआ है। वो अच्छी बात है, हम ये माने कि हम जेंडर सेंसिटिव भी हैं, अगर आप उनके डेजिग्नेशन को हटा भी दें एज बींग ए वुमेन, मेरा ये दर्द बनता है कि एक बच्चे के साथ ये हुआ और मैं सोलिडिटी के लिए आऊँ, लेकिन यहाँ हम सिलेक्टिव होते हैं, ये कहने के लिए हम जेंडर हैं, जेंडर सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, कहने के लिए हम ये हैं कि वो भी महिला हम भी महिला है, लेकिन वो महिला किस जमात की है, जो बच्ची के साथ रेप हुआ वो महिला किस जमात की है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यही बच्ची किसी और जमात की महिला की बच्ची होती तो सारी महिला आंदोलन यहाँ होते। आप ये बताइए, मुझे 8 दिन बीत चुके, आपने अभी तक कोई बयान देखा है महिला आयोग का? रेखा शर्मा जी दोबारा बनी हैं, अब मीनाक्षी लेखी क्यों? जो चलो वो तो उसका पॉलिटिकल अपना दायरा है, महिला आयोग कहाँ है? कहाँ है दिल्ली आयोग? दिल्ली आयोग की स्वाति मालीवाल 1 मिनट नहीं लगाती पहुँच जाती है हर एक जगह पर, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही? राखी बिड़ला कहाँ है? है ना, वो एक महिला और वो तो आती भी इसी समाज से है। आप एक बार जाके आईजी के पास या किसी के पास बैठ जाते हैं थाने में, आपका काम पूरा हो गया? उससे कैसे हो गया आपका काम पूरा? समाज तो यहाँ, समाज नहीं तो चुन के भेजा है ना, समाज नहीं तो चुन के भेजा होगा ना, उस वही समाज के साथ आज अत्याचार हो रहा है। आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी प्यारी है, जबकि अगर यहाँ होती तो सबकी सेंसिटिविटी उसकी तरफ जाती, लेकिन गायब है। ये सवाल सिर्फ मीनाक्षी लेखी के ऊपर नहीं उठता, ये सवाल राखी बिड़ला के भी ऊपर उतना ही उठता है, बल्कि ज़्यादा जिम्मेदारी से उठता है। मीनाक्षी लेखी तो अप्रकाश की महिला है भाई, उसकी तो जमात के साथ नहीं हुआ। सवाल मीनाक्षी लेखी को लेके इसलिए था क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मेरा सवाल उनको लेकर था, वरना आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हर जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं आपको सबको ये जिम्मेदारी। देखिए ना कि जो महिला आयोग है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट है ना महिलाओं के लिए, वो किसी भी जाति धर्म पार्टी का नहीं है, पार्टी से अभव है ना, तो वहाँ के कहाँ है वो? अच्छा, सबसे बड़ी बात, भारत की राजनीति में जो सबसे प्रमुख महिला आज तक के भी इतिहास में मानी जाती है, जो जिसको मैं भी मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ मैं, मुख्यमंत्री मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कहाँ आया है उसका बयान इसके ऊपर? क्या वो भी सिलेक्टिव मुद्दों पे बात नहीं कर रही है? तो हम जहाँ मीनाक्षी लेखी पे सवाल उठाते हैं, वहाँ दलित महिलाओं को भी देखो ना थोड़ा, वो कहाँ है? उनको भी मतलब आप कह रही हैं कि शिकवा हम दूसरों से क्या करें, हमारे तो अपने ही, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली, पहले आप अपने घर में देखिए ना, पहले आप, सबसे पहले आप अपने घर को जोड़ेंगे ना, यहाँ तमाम वाल्मीकि समाज सबसे पहले बैठा, जैसे ही वो बैठा तो समाज दूसरे आए,
अगर वो समाज ही नहीं आता उनके साथ, ये बिरजू पहलवान है, ये चार पांच लड़के हैं, विनोद कांगड़ा है, ये एकदम भाग के शमशान घाट, पास में ही शमशान घाट है वहाँ गए, वाल्मीकि समाज रात को ही यहाँ इकट्ठा हुआ, तभी ना आया दूसरा समाज भी। अगर वो नहीं आते तो दूसरा समाज कहाँ से आ जाता। ठीक उसी तरह हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव तमाम पार्टियों में, मैं केवल आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही, तमाम पार्टियों में, हालांकि मैं शैलजा का धन्यवाद दूंगी कि वो आई है यहाँ, इसलिए दिल्ली में जो रहती हैं कम से कम उनको तो यहाँ आना ही चाहिए। और जब तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, मेरी अपनी समझ है, जब तक ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनेगा तब तक जस्टिस मिलेगा। हम एक हफ्ता तो ऑलरेडी बीत चुका है, अभी तक राजनीति में और राजनेताओं के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी है, इसको नहीं रहेंगी ना, क्योंकि हम यहाँ कम संख्या में हैं। अगर हम आज इसको बुरी तरह से बंद कर देते, पानियों की बुझार होती, तमाम मीडिया यहाँ मजबूर हो जाता आने के लिए, तब सारी राजनीतिक पार्टियों के कान खड़े हो जाते हैं, वो साइलेंट मोड पे हैं। उनको जगाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अपने ही लोग जिनका दर्द है, जिनको वाकई ये लगता है कि हाँ ये हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, आगे ना हो, वो सड़कों पर उतरे, भारी संख्या में उतरे, हमारी बहनें भारी संख्या में। कितना समय लगेगा? हाथरस की बेटी का परिवार अभी भी डर के साए में जी रहा है, उनको न्याय मिलने की बजाय वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं जो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि एक समय के बाद जैसे 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 धीरे धीरे आंदोलन कम होता जाता, क्षीण होता है, वैसे वैसे परिवार एक तरह से आइसोलेशन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और वो इसलिए भी क्योंकि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो लंबा टाइम लेती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो कोर्ट में कहाँ से मुकदमा शुरू हो जाएगा? वो तभी होगा ना जब सारे तमाम चीज़ें, और यहाँ दिल्ली पुलिस से जब हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं, क्राइम ब्रांच को चला गया। अब क्राइम ब्रांच क्या कर रही है, उसमें क्या अपडेट है, ये मुझे लगता है किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ जितने, क्यों सर, हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या इसमें डेवलपमेंट हुई या नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को पता है। इवन वो तो ठीक है कि आईजी साहब ने उस दिन दे दिया था कि ये धाराएं हमने लगाई हैं, बट उन धाराओं को लगा के एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई वो किसी को नहीं जानकारी इस चीज़ की। तो जब तक हम लोगों को पूरे आंदोलन में ये नहीं पता लगेगा कि हमारे इस केस में डेवलपमेंट कितनी हुई है, वो तब तक अधूरा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखें ना, वकील हुआ या हमारे मतलब हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपील भी जो करना चाह रही हूँ, हमारे समाज से जो दलित समाज से डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं या एडवोकेट्स हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको फॉलोअप करें, तब जाके हमें जस्टिस मिलेगा।